पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि दुल्हन कैसे बनती है बिहार की शादी में, और अब देखिए दूल्हा कैसे बनता है। ये उपटन वाला है, मिट्टी के बर्तन में उपटन है और इसको कच्ची रोटी से ढका जा रहा है। इस आटा में अच्छे से घी डाल के इसको लगाया जाता है ताकि क्रैक नहीं हो, और इसको बेस बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन के भीतर उपटन है और उसको कच्ची रोटी से अच्छे से सील कर देते हैं ताकि उपटन उससे निकले नहीं। तो ये देखिए कितनी सुंदर से रिचा इसको कर रही है। थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोग हैं, हमें इनको हटा हटा के वीडियो करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा फोकस शायद कम हो जाए और ठीक से ना दिखे, तो भूल चूक माफ़। ये देखिए गुड्डा के लिए इसने आटे को कितने अच्छे से मिला रही है, अच्छे से मिक्स कर रही है ताकि कोई क्रैक्स ना आए, और सॉफ्ट कर रही है मिक्स करके, और इसको बेलन के आकार का बना रही है ताकि गुड्डे का बॉडी बन सके। बहुत ही स्वीटली काम करती है और इसके हाथ की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा दुल्हन इसने कितने सुंदर से सजाया था, बगल में देखी वही दुल्हन रखी हुई है, और देखिए दो टूथपिक लगा के इसने इसको सेट कर दिया है। उपटन के भीतर टूथपिक चली गई ताकि दुल्हा का बॉडी हिले नहीं, बहुत अच्छे से सेट किया है। और अब उसके ऊपर की हेड बना रही है, सिर बना रही है, जिसको ये बॉल का शेप कर रही है। आजकल हाथ से ये काम करना बहुत ही कम दिखता है। बिहार की शादी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस्म है ये गुड्डा गुड्डी बनाना। ये उपटन और कसार, कसार जो चावल के पाउडर से बनता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स घी चीनी पड़ता है, काफ़ी टेस्टी बनता है। ये लड़की वाले के यहाँ भी बनता है, लड़के वाले के यहाँ भी दोनों ही चीज़ बनते हैं गुड्डा गुड्डी। और इनके भीतर जो उपटन और कसार, ये सारे रिश्तेदारों में सब जगह थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है कि लड़की के ससुराल से आया है और लड़के के ससुराल से आया है। तो अब देखिए सपोर्ट के लिए पीछे से भी दो टूथपिक इसने लगा दिए हैं ताकि पीछे साइड ना गिरे, और बिंदी काट के देखिए लिप्स बनाया है इसने। छोटी चीज़ों पे फिनिशिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और ये देखिए फिनिशिंग तो कर ही रही है, बहुत सुंदर तरीके से कर रही है। गांव में बहुत लिमिटेड साधन होते हुए भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। टूथपिक में काजल लगा के ये आईब्रोज और आईज बना रही है, इतनी छोटी आंख लेकिन बहुत खूबसूरत बना रही है। मैं इसलिए इतना डिटेल में दिखा रही हूँ कि किसी को यदि नहीं समझ में आया कि कैसे बनाया जाता है, तो इसको देख के कोई भी आराम से बना सकता है, और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से बनाया जा सकता है और कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे। पूरा दिन लग गया था गुड्डा गुड्डी बनाने में। वो देखिए शक्ल पे आंख बन गया है, होठ बन गए हैं, धीरे धीरे इसकी शक्ल दिखने लगी है। ऊपर एक तिलक लगा रही है ये, रोटी कच्ची रोटी जो उपटन्स के ऊपर इसने कवर किया है, बेस बनाया, वो भी देखिए इतने सुंदर से फिनिशिंग किया है कि कहीं भी आपको कोई क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। और तिलक का शेप भी देखिए कितने सुंदर से लगा रही है। बिहार की शादी के कुछ कुछ रस्म बहुत ही अनोखे, बहुत ही लॉजिक वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आजकल नहीं दिख रहे हैं, माँ बोलिए तो लुप्त हो चुके हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इन सब रस्मों को फिर से देखें, और जिनके यहाँ ये बंद हो चुका है वो फिर से करें, आपको भी अच्छा लगेगा और हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बता पाएंगे कि क्या रस्में होती हैं, कितने ट्रेडिशनल रस्में होती हैं। पीला चुनरी का कपड़ा सिलाई करके उसको पहना दिया गया है ताकि धोती का रूप ले ले पीला रंग। दूल्हे को बहुत पहले पीले रंग की धोती में पहना के शादी होती थी, तो इसने भी पीले रंग का ही पहनाया है। और अभी देखिए लेस से इसका सेहरा बना रही है, पतले से लेस से इतने छोटे से सिर में सेहरा बना के फिनिशिंग करना बहुत बड़ी बात है। तो अभी दूल्हा जी सेहरा भी पहन लिए, इस
कि देखिए फिनिशिंग सेट करके कैंची से काट ले रही है और इसको स्टेपल कर देगी, तो क्या है सेहरा इसके सर के नाप का परफेक्ट हो जाएगा। देखिए दुल्हाराम कितने स्वीट लगने लगे हैं। आइडिया भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, क्योंकि चीज़ें जितनी छोटी होती हैं उनको सजाना या बनाना उतना ही मुश्किल होता है। जो हमारी पारंपरिक शादी है किसी भी राज्य में, शहरों में हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के याद किया जा सकता है, फिर से किया जा सकता है जो करना चाहे। देखिए दुल्हाराम के हाथ बन रहे हैं आटा से ही, और हाथ में जो पंजा वाला है उसको चिपका किया गया है ताकि उसमें बाद में नेल पेंट लगा के उंगलियों का शेप दिया जा सके। तो ये है ना आइडियाज़ की बात, इतने छोटे से आटे के गुधे राम को, दूल्हे जी को कैसे सजाया जाए, और कोई कोई बात क्या क्या ज़रूरी है, कैसे हाथ बनाएंगे, कैसे आँख नाक बनाएंगे। तो ये अब चिपक गए हैं। इस आटे में मोइन बहुत अच्छे से पड़ता है, नहीं तो ये सॉफ्ट ही नहीं होगा। स्वीट से दुल्हा जी लग रहे हैं, अब इनको ऊपर का वस्त्र भी पहनाया जा रहा है गोटे से। पुराने ज़माने में शादियों में जो रस्में होती थी काफ़ी लॉजिक होता था उसमें, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। एक दूसरे घर की कारीगरी समझ में आती थी, लोग देखते थे कि हाँ भाई कितनी अच्छी कारीगरी की है, तो उस घर में कलाकार भी अच्छे होंगे। घर के हाव भाव का पता चलता था, रहन सहन का पता चलता था इन गुड्डे गुड्डियों से कि किस तरह से सजाया गया है। बहुत कुछ बातें पता चलती थी कि हाँ भाई किस घर से आया है और कैसा है, तो घर में रहन सहन कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, क्योंकि कसार में क्वालिटी होनी चाहिए, तो बहुत कुछ पता चलता था। सेहरा बन गया है, गुड्डा गुड्डी तैयार हो गए हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। थैंक यू।